आपण लाईव्ह आहोत तर आपण सुरू करू शकतो. रितेश, यू कॅन स्टार्ट नाऊ. ओके हॅलो रितेश. हॅलो. हॅलो, यस, यू आर ऑडिबल. गुड इवनिंग एवरीवन. वेलकम टू द इतलगा टॉप सीरीज. आई एम रितेश पटाडे एंड वी आर ग्लैड टू हैव मिस्टर अमित नेथानी अमंग अस टू इनिशिएट द टॉक ऑन मास्टर ऑफ लेबर स्टडीज एट महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर स्टडीज विच इज लोकेटेड इन मुंबई. मिस्टर अमित होल्ड्स अ मास्टर डिग्री इन लेबर स्टडीज फ्रॉम द महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर स्टडीज मुंबई एंड करंटली इज वर्किंग एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी एट फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड. And later, the Maharashtra Institute of Labour Study was established in 1947 and it was the oldest institute in India for labour studies. And this institute comes under the University of Mumbai. Hello. So I welcome you, Amit, again and all the participants. And over to you, Mr. Amit. Question and answer will take after the session. So over to you, Mr. Amit. Thank you for the introduction. And hello, everyone. Hello. So you can ask question in the middle as well if you want, because this will I haven't prepared any kind of as in that PPT. So I am not a PPT person, but for MILS you need to prepare a lot of PPTs. So college is really good, and if you want to pursue something into management as in a good course, मैं हिंदी में बोलूंगा. बहुत सब मतलब मराठी मेरी बहुत अच्छी नहीं है, मतलब अच्छी है पर इतनी भी अच्छी नहीं है. मतलब लोग मेरी मराठी सुन के हंसने लग जाते हैं. एंड हिंदी मेरी और इंग्लिश ठीक ठाक है, तो मैं हिंदी में ही बोलूंगा अभी. तो कॉलेज बहुत बढ़िया है. मतलब आपको ऐसा है कि जिस जिस उसमें जाना है, कैसे है? अगर आप कॉलेज में काफी सारे वो है, आप लॉ में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो लॉ में जा सकते हैं. अगर एट द सेम टाइम आपको अगर एचआर में जाना है, बिकॉज मेरा जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो मेरा पर्सपेक्टिव एचआर को लेके ही था, तो मैंने काफी उस पर ही फोकस किया फर्स्ट ईयर से ज्वाइन होते ही कि भाई मुझे एचआर में ही अपना करियर बनाना है. बट कॉलेज का जो करिकुलम है, करिकुलम तुमको काफी वो देता है, काफी ब्रॉड पर्सपेक्टिव देता है. काफी बड़ा स्पेक्ट्रम है कॉलेज के करिकुलम को लेके. जैसे आपको सब्जेक्ट मिल जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, इस यहाँ से लेके आपको सोशियोलॉजी से इकोनॉमिक्स तक आपको रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं. तो ऐसा है कि काफी अच्छा करिकुलम इन लोगों ने बना के रखा है कॉलेज का. उसके अलावा जैसे एचआर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको देखोगे कॉलेज को, तो उसके लिए भी काफी अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स हैं. जैसे एक है मैन पावर प्लानिंग, तो मैन पावर प्लानिंग पर्टिकुलरली जो हम लोग के लिए जो प्रोफेसर थे तो काफी अच्छे प्रोफेसर थे. मैं हम लोगों को काफी मतलब प्रोफेसर से भी अच्छा कुछ सीखने मिला था. स्पेशली आपका जो लॉ के भी काफी अच्छे अच्छे प्रोफेसर थे. तो ऐसा है कि जो कॉस्ट में कॉलेज हम लोगों को मिला था उस टाइम, बिकॉज दैट टाइम इट वॉज द फीस वॉज ऑलमोस्ट अराउंड 20,000 rupees. एंड उसके साथ जो हम लोग को इसका जो रिटर्न्स मिले थे काफी बढ़िया मिले थे. एंड यस, मतलब कॉलेज बहुत ही अच्छा है. एंड कॉलेज का आपको मैं सबसे पहले तो वो बता देता हूँ कि कॉलेज का ये क्या है, अपना फॉर्मेट क्या है. तो सबसे पहले इसका ये 7 जून को ही खत्म हो रहा है कॉलेज का, जो आपका जो एडमिशन का जो लास्ट डेट है. तो सबसे पहले अगर किसी को ये कॉलेज में एडमिशन लेना है और अपना चीप रेट मतलब सस्ते उसमें आपको अगर एमबीए करना है, एमबीए ही हो गया एक तरीके से, लोग इसको मास्टर्स ऑफ लेबर, इसको कोर्स का जो नाम है मास्टर्स ऑफ लेबर लेबर स्टडीज है, बट इन शॉर्ट ये हम लोग एक तरीके से एमबीए ही बोल सकते हैं कि एमबीए का ही कोर्स है. बिकॉज सारे बच्चे जितने भी बच्चे प्लेस हुए मोस्टली सब एचआर में प्लेस हुए और अच्छे अच्छे कंपनीज में प्लेस हुए. एंड कॉलेज का जो प्लेसमेंट का जो रिकॉर्ड था वो काफी बढ़िया था. मतलब ऑलमोस्ट लाइक 40-42-44 का बैच था और ऑलमोस्ट एक दो तीन लोगों को छोड़ के ऑलमोस्ट सब प्लेस हो गए. और वो दो तीन लोग भी अभी नेक्स्ट मंथ तक प्लेस हो जाने चाहिए, बिकॉज उन लोगों के लिए भी इंटरव्यूज चल रहे. तो
7 जून लास्ट डेट है इसका कॉलेज का एडमिशन का, एंड एप्लीकेशन इसका अगर किसी को भरना है तो भर दीजिए। तो अगर आपके पास इसका डिटेल्स नहीं होंगे तो मैं डिटेल रितेश के थ्रू भी शेयर करवा दूंगा, जो भी इसके जो हमारे मेरे पास डिटेल्स अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉलेज का जो फीस वगैरह, अगर आपको फीस वगैरह का स्ट्रक्चर जानना है तो वो भी मैं बता देता हूँ, बट वो आई गेस आपको समझ ही जाएगा अगर आप उसको स्ट्रक्चर देखोगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना उसको बहुत सिंसियरली भरना है, क्योंकि इसके ऊपर ना आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो उसका मतलब जो डेटास होते हैं, जो उन लोगों ने क्वेश्चंस वगैरह मेंशन किए उस पर, तो ध्यान से आप ध्यान रखिए कि आप उसको प्रॉपरली भर रहे हैं, नहीं तो अनलेस एंड इफ यू डोंट डू दैट प्रॉपरली यू वोंट बी कॉल्ड फॉर एन पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू टफ होता है कॉलेज का, जो उसमें हम लोग के टाइम लास्ट ईयर इट वॉज नॉट देयर, बट अभी ये पर्सनल इंटरव्यू पहले भी मैंडेटरी था और आगे भी मैंडेटरी रहेगा। तो पर्सनल इंटरव्यू में 5 इंटरव्यूअर्स होते हैं एंड दे आस्क यू लाइक एनी एवरीथिंग एवरीथिंग ऑन एंड एवरीथिंग, मतलब आप क्यों, मतलब सबसे पहले मैनेजमेंट में करियर क्यों बनाना चाहते हो, मैनेजमेंट के अलावा लेबर लॉ तुमको क्या मतलब क्यों, मतलब पीपल्स प्रोफाइल में क्यों, मतलब दिस इज अ पीपल्स प्रोफाइल, मतलब आप लेबर लॉ की तरफ जाओ या फिर एचआर की तरफ जाओ, सो यू आर कमिंग इनटू द पीपल्स थिंग। तो पूछेंगे आपको डिटेल में कि आपको पीपल मतलब ये क्यों करना है, और काफी लोगों को काफी ज्यादा ग्रिल करते हैं। एंड यस कॉलेज में जो इसका वो है क्या बोलते हैं, जो पांच इंटरव्यू, जो इंटरव्यू लेने के बाद उसके बाद इसका तो आपका शॉर्टलिस्टिंग लगता है। तो कॉलेज में नॉर्मली जो रिजर्व कैटेगरी के लिए काफी वो है, मतलब काफी अच्छा परव्यू बना के रखा है, 32 सीट रिजर्व है एंड 31 सीट रिजर्व एंड 21 सीट ऑफ मतलब एज इन नॉन रिजर्व सीट है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये कॉलेज को अभी कंबाइन कर दिया नागपुर के साथ, तो नागपुर का बैच भी आप ऐसा है कि आपके लिए वो खुल जाता है, कैसे इनकेस आपको ऐसा है कि आपका पर्सपेक्टिव एकदम खुला है कि आप मुंबई नागपुर कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहोगे तो आप कर सकते हो एक ही फॉर्म भर के, एंड फॉर्म का थोड़ा फीस ज्यादा होगा मुंबई नागपुर का आपको एक साथ भरना है तो यस। एंड जो आपका जो हायरिंग होता है अभी, ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ मुंबई को बच्चे को हायर करते हैं, इन लोग मुंबई नागपुर दोनों ही अभी ओपन हो चुके हायरिंग के लिए। तो यस कॉलेज ने काफी कुछ अच्छी तरफ जा रहा है, कॉलेज का पर्सपेक्टिव जो है, जो बोर्ड ऑफ जो कॉलेज का जो डायरेक्टर है उसका पर्सपेक्टिव काफी ओपन है, एकदम लिबरल बंदा है एंड बहुत ही मतलब विजनरी एक तरीके से कॉलेज के, और उसके अलावा जो कॉलेज के जो इंटरनल स्टाफ्स है उन लोग भी काफी मतलब काफी बच्चों को एंगेज भी करते हैं, काफी सारी एक्टिविटीज भी होती है एंड ऑलमोस्ट लाइक आई वॉज फॉर 2 ईयर्स ऑलमोस्ट हम लोगों को हर कहीं ना कहीं मतलब कभी लेबर बोर्ड में, कभी कमिश्नर्स ऑफिस में, कभी आपका बीएमसी के इधर प्लेसमेंट था, कभी ESIC के इधर प्लेसमेंट था। सो ऑलमोस्ट लाइक 10-12 डेज हम लोग का 15 दिन का उसका भी प्लेसमेंट हुआ था ये अपना लेबर कोर्ट का। सो कॉलेज में कम्प्लीटली यू विल बी सो एंगेज इन एवरीथिंग, मतलब बहुत ही मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा जो ज्वाइन करेगा ये कॉलेज एंड सॉरी सो कॉलेज में जो भी ज्वाइन करेगा उसका बहुत ही बिजी शेड्यूल भी होगा, काफी सारे असाइनमेंट्स मिलते हैं, असाइनमेंट्स भी तुम्हारा अच्छा टाइम गुजरेगा, बिकॉज इट्स नॉट दैट सॉर्ट ऑफ असाइनमेंट जो हम लोगों को इंजीनियरिंग के टाइम मिला था, बिकॉज मेरा खुद का असाइनमेंट के टाइम मेरा असाइनमेंट्स आई डिड इट रियली रियली वेरी हार्ड वर्किंग, मतलब मैंने अपना कंपनीज के बारे में डेटा निकालता था, कंपनीज के पॉलिसीज पढ़ता था और मैंने काफी अच्छे से बनाया था, मैंने नहीं सभी बच्चे लोगों ने काफी सिंसियरली लिया था, असाइनमेंट काफी वो रहता है अगर आपको मैनेजमेंट पॉलिसीज वगैरह समझने का शौक वगैरह है। उसके अलावा आपका कॉलेज में दो सेमिस्टर पैटर्न नहीं है, 2 साल का पैटर्न है, मतलब फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन, उसके अलावा कॉलेज में इंटरनल एग्जाम्स होते हैं 40-50 मार्क्स के, तो वो जनरली लोग ऐसा रहता है कि वो आपके उसके लिए रहता है इंटरनल इवेल्युएशन के लिए रहता है कि आप हाउ वेल यू डू इन योर इंटरनल एज इन ओवरऑल एक्टिविटीज, नॉट जस्ट एग्जामिनेशन, आपको हर चीज पे गेज किया जाता है कि आपका प्लेसमेंट के टाइम आपका बिहेवियर कैसा था, आपका अटेंडेंस कैसा था, आपका परफॉर्मेंस कैसा था, लेबर कोर्ट में आपका क्या, आपका स्टडीज क्या था, तो हर चीज को उन लोग गेज करते हैं एंड उसके हिसाब से आपको इंटरनल्स देते हैं। कॉलेज में इंटरनल काफी हैवी मार्क्स है, उसके अलावा साल में एक बार जो पेपर्स होते हैं जो 70-30 मार्क्स का उसका पेपर का हिसाब किताब रहता है, तो ये आपके पेपर्स हो जाएंगे एंड या दिस इज प्रीटी मच अबाउट दिस मतलब करिकुलम का। कोर्सेस में करिकुलम में जो 2-3 सब्जेक्ट जो आपको ज्यादा अच्छे लगेंगे उसमें एक लेबर लॉ का सब्जेक्ट है, तो लेबर लॉ का सब्जेक्ट काफी मतलब
डिटेल्ड है, मतलब आपका एक एक आपको बैरैक्स लेके बैरैक्स लिटरली रीड करने पड़ेंगे। उसके अलावा एक सब्जेक्ट और है इकोनॉमिक्स का, लेबर इकोनॉमिक्स का, तो वो भी सब्जेक्ट काफी अच्छा पर्सपेक्टिव खोलता है, हाउ टू लुक इट इन डेटा पर्सपेक्टिव, हर चीज को डेटा के एंगल से देखा जाना। मतलब मैं पर्सनली आई हैड दैट, मतलब जो हम लोग प्रोफेसर्स ने ये गाइड किया था, तो हर चीज को डेटा के पर्सपेक्टिव पे देखने से यू गेट अ मच ब्रॉडर वे टू लुक आउट हाउ टू गो अबाउट योर प्रोफाइल। सो जो फ्यूचर के लिए आपका हमेशा जो आपका जो पर्सपेक्टिव रहेगा वो काफी ब्रॉड माइंडेड रहेगा, अगर आपका इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट पे आप थोड़ा फोकस करो। उसके अलावा कॉलेज में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, जो हर चीज में साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखा, मतलब अच्छा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। तो दिस वाज समथिंग विच रीड्स अबाउट हाउ ह्यूमन माइंड्स वर्क, एंड अच्छा सब्जेक्ट है ये भी बहुत। तो मतलब जो रेंज ऑफ टॉपिक्स एंड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स आपको MILS में कवर कराए जाएंगे, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। और उसके साथ साथ आपका जो ऑलमोस्ट जो टिस नॉट एग्जैक्टली टिस बट टिस जैसा ही उसका करिकुलम सेट किया गया है MILS का, एंड इंटर्नशिप्स कॉलेज के थ्रू मिलती है, और अच्छी अच्छी इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं इन लोग बड़े बड़े कॉलेज में, बड़े बड़े कंपनीज में। हम लोग के मतलब मुझे पर्सनली मुझे तेवा फार्मा मिला था, बड़ा कंपनी था, उसके पहले मुझे कॉलेज के नाम से मुझे फ्रॉस्ट एंड सलेवन में एक बहुत बड़ी मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी थी, तो उसमें मुझे इंटर्नशिप मिला था। तो इंटर्नशिप कॉलेज के नाम पे, मतलब कॉलेज का है, मतलब वेट है मार्केट में, सो यू गेट टू, मतलब जहाँ पे भी मैंने फ्रॉस्ट एंड सलेवन में जस्ट आई हैड टू टेल देम दैट मुझे MILS में मास्टर्स कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे इंटर्नशिप प्रोवाइड कर दी थी। तो कॉलेज का वेट है, मतलब हर जगह आप यूज कर सकते हो नाम इसका। उसके अलावा आपको ये जानना होगा कि कॉलेज का वो कैसा है, एग्जामिनेशन का वो, जो आपका असेसमेंट एग्जामिनेशन ज्वाइनिंग से पहले जो एग्जामिनेशन होता है एंट्रेंस टेस्ट, तो वो क्या होगा। तो इसमें चार सेगमेंट में डिवाइड है ये इसका एग्जामिनेशन का। तो फर्स्ट सेगमेंट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वो काफी बेसिक रहता है, मतलब अगर किसी ने भी थोड़ा बहुत मतलब एप्टीट्यूड, अगर किसी का मैथ्स अच्छा है तो वो इजीली पेपर निकाल सकता है, किसी का नंबरिंग में अच्छा है, मतलब नंबर्स वगैरह और परसेंटेजेस वगैरह, तो इजीली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इजीली निकल जाएगा। और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से अगर किसी कोई है बनना यहाँ पर, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए तो इट्स अ केक वॉक, मतलब मैं पर्सनली मेरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैंने बुक भी नहीं खोला था एग्जाम देने से पहले, सो इट्स अ केक वॉक फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। एंड लॉजिकल रीजनिंग का भी सेम है, अगर आपका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है तो मोस्टली आप लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन में कुछ आपको तकलीफ नहीं होगा। पर क्वेश्चंस इजी रहते हैं, बट इतने भी ऐसे इजी नहीं रहते कि मतलब अगर आपका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है तो आपको थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा क्वांटिटेटिव और लॉजिकल रीजनिंग के लिए। उसके अलावा GK में काफी कॉलेज का फोकस रहता है, और GK टफ रहता है कॉलेज का, जो एंट्रेंस एग्जाम का रहता है। GK में आपको महाराष्ट्र के रिलेटेड स्पेशली आपको पूछा जाएगा, तो क्वेश्चंस वेर एज हार्ड एज, मतलब जैसे मगसेस अवार्ड होते हैं उसके बारे में डेटा पूछा गया था, महाराष्ट्र में क्या क्या, मतलब कौन से फ्रीडम फाइटर थे, लेबर लॉ के कौन से लीडर्स थे, और उनमें काफी डेप्थ वाले क्वेश्चन थे। तो GK वाला सेक्शन टफ होगा, और GK वाला सेक्शन ध्यान रखिएगा कि आप उस लेवल का, मतलब GK देख रहे हो कौन सा वाला, जो आपका स्टेट PSC का जो होता है, तो उस टाइप का GK का आपका वो रहेगा, क्वेश्चंस रहेंगे, GK टफ रहेगा। उसके अलावा बाकी का जो इंग्लिश लैंग्वेज है, अगर आपका थोड़ा बहुत भी इंग्लिश में हाथ पे कमांड है तो इंग्लिश लैंग्वेज भी आप इजीली निकाल सकोगे, और नहीं है तो फिर बेसिक जो इंग्लिश का जो रहता है सेंटेंस कंप्लीशन, फिर आपका फ्रेजेस, idioms भी ज्यादा नहीं पूछे थे, synonyms और antonyms पूछे थे काफी सारे। उसके अलावा टेंस वगैरह के क्वेश्चन थे उसमें जब हम लोगों ने अपील किया था, तो इंग्लिश का भी इतना टफ नहीं था, बट अगर कोई वर्नैक्युलर मीडियम से है तो उनको थोड़ा प्रिपेयर करना होगा इंग्लिश साइड, बट एट द सेम टाइम किसी को कुछ जगह में एडवांटेज होगा, किसी को कहीं कुछ जगह में डिसएडवांटेज होगा। तो फेयर कंपटीशन है मोस्टली एग्जामिनेशन का, 120 मिनट का पेपर होगा, और कम्प्लीटली जैसे आपके वो एग्जामिनेशन होते हैं ना स्कैट वगैरह CET वगैरह का, तो उसी तरीके का आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठना पड़ेगा। इट विल बी मोस्टली इन पवई में, मतलब मुंबई से कोई है तो उसको पता रहेगा, ईऑन डिजिटल सेंटर पवई में है, तो वहाँ पे कैट वगैरह के एग्जाम भी होते हैं, तो ये सेंटर भी उधर ही होगा मोस्टली, और वहीं पे इन लोग कंडक्ट करवाते हैं। समटाइम इट मे हैपन कि उसके लोकेशन चेंज हो सकता है, बट मोस्टली सेंटर में लोकेशन वही रहेगा।
कॉलेज का हमेशा जो एग्जामिनेशन मतलब करिकुलम का जो फीस रहा है वो 20,000 के आसपास ही रहा है, 20,000 से 24,000। बट इस साल इन लोगों ने फीस बढ़ाने की बात की है 60,000 पर ईयर। तो ये अप्रूवल के स्टेज पे भी अटका हुआ है, तो ये होता है नहीं होता है अप्रूवल आई डोंट नो, बिकॉज काफी कॉलेज काफी वो है गवर्नमेंट के साथ साइमल्टेनियसली काम करता है, तो जब तक अप्रूवल नहीं मिलता तो 60,000 कोर्स का फीस नहीं हो सकता। बट फिलहाल के लिए इन लोगों ने सेट किया है 60,000 का रेंज। और कॉलेज में जो कैंपस प्लेसमेंट की जो कंपनियां हैं, काफी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, हिंदाल्को आई थी, आदित्य बिरला का ऑलमोस्ट एवरी सेगमेंट दे कम, मतलब काफी सारे मतलब जैसे फाइनेंस आदित्य बिरला फाइनेंस आया था, एनबीएफसी आदित्य बिरला का जो है वो भी आया था, आदित्य बिरला का जो क्लोथिंग का डिवीजन है वो भी आया था, उसके अलावा आदित्य बिरला का माइनिंग का जो हिंदाल्को है वो आया था, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अडानी आया था, अडानी विलमार आया था। बड़ी बड़ी कंपनियों में रिलायंस के तो ऑलमोस्ट हर सेगमेंट आए थे, मतलब माइनिंग से लेके ऑयल एंड गैस से लेके रिटेल, एंड फ्यूलटन एनबीएफसी हम मैं जिसमें प्लेस हुआ वो भी, उसने भी काफी अच्छी हायरिंग की क्योंकि दैट कंपनी इज आल्सो एक्सपांडिंग, तो उसने भी 6-7 लोगों को हायर किया कॉलेज से। एंड उसके अलावा रेंज ऑफ कंपनीज मतलब अच्छा, मतलब ऐसा है कि पूरा स्पेक्ट्रम बहुत ब्रॉड है कंपनीज का भी, ऐसा नहीं कि एक ही सेगमेंट की कंपनीज आ रही है, तो कंपनीज भी काफी सारी आई है। लास्ट ईयर जीडी नहीं हुआ था, पर इस साल जीडी पॉसिबल है, एंड जीडी में टॉपिक्स काफी वैसे रहते हैं मतलब जो रेगुलर में चल रहे हैं, जैसे आपको रशिया यूक्रेन का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस तरीके के जीडीस के क्वेश्चन होंगे। फिर उसके बाद गवर्नेंस के क्वेश्चन हो सकते हैं, गवर्नेंस में इश्यू क्या है इंडिया में, उसके बाद लॉ एंड जुडिशरी ये सब हो सकते हैं। जीडी के क्वेश्चन काफी वैसे होते हैं मतलब हाई क्वालिटी के होते हैं, तो कॉलेज में जो इंटरनल प्रोसेस होता है वो थोड़ा मतलब अच्छी क्वालिटी का रहेगा, आपको ऐसा मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि जो वैसे टॉपिक्स नहीं रहते, ऑफ टॉपिक जैसे वही रहते हैं ऑफ टॉपिक्स जो बड़े वैसे कैंपसेस होते हैं वेलिंगर वगैरह, उसमें कैसे ऑफ टॉपिक क्या होते हैं। मैं भी नॉन महाराष्ट्रियन हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है जीके मतलब नॉन महाराष्ट्र, बिकॉज इफ यू हैव स्टेड इन महाराष्ट्र सो बेसिक आपको महाराष्ट्र के बारे में पता ही होगा कि महाराष्ट्र में असेंबली कहाँ कहाँ बैठती है, जुडिशरी कहाँ कहाँ बैठती है, गोवा महाराष्ट्र का जुडिशरी सेम है कि नहीं है, उसके अलावा बाबा आमटे कौन था। तो आपको ये इंटरनेट पे अगर आप डालोगे ना कि एमपीएससी का महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पोर्शन रहता है, मैं वही पढ़ के गया था और मेरा जीके बहुत अच्छा गया था, इवन दो आई एम नॉट महाराष्ट्र बट मेरा जीके बहुत अच्छा गया था। यू टॉक अबाउट एसओपी इन द एजुकेशन स्टैंडर्ड ऑफ एसओपी एज इन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस और समथिंग एल्स, बट देयर वाजंट एनी क्वेश्चन इन द एप्लीकेशन फॉर्म, यू टॉक अबाउट क्वेश्चन एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हम लोग के टाइम एप्लीकेशन फॉर्म में क्वेश्चंस थे, बट अगर नहीं है तो फिर इट्स फाइन, बट अगर होंगे तो जैसे क्वेश्चंस आपका एक लेटर भी लिख के देना होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम लोगों ने लेटर लिख के दिया था, लेटर एज इन हाँ, तो इस साल का मेरे को प्रोसेस में फिर वो पता नहीं, बट होगा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये रितेश स्टेटमेंट ऑफ पर्पस Your voice is on mute. Sorry. Ritesh, you were saying something? Your voice is on mute. No, actually, जब हम fill up किया था ना हमने तो उस साल SOP था क्या? हाँ था. अच्छा, that is statement of purpose. हाँ, yes. Within 400 we have to submit, but this year I don't know. So actually there was one, I guess that essay was also there that we submitted. That was statement of purpose. Okay, so statement of purpose. Why do you want to choose this course? Why do you? Yes. I guess that was the question. Why do you selected this course? So you have to like some way justify your answer. Why you want to get into management profile, and what is the reason like to get into such profile where people are more into looking after social care of the people, those who work in the lower cradle of the society. So हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग बड़े बड़े जॉब देखते हैं, बट सोसाइटी में अभी जैसे मैं फ्यूलटन में भी प्लेस हुआ हूँ, तो उनके जो बेसिक नीड्स होते हैं, मिनिमम जो वेजेस होते हैं ऑल ओवर इंडिया, तो काफी हम लोग मतलब
12 से 15 हजार के रेंज में लोग काम करते हैं ऑल ओवर। जो हम लोग जैसा बोलते हैं ना, एक इंडिया है और एक भारत है, तो इंडिया जो है वो एकदम मॉडर्न में लोग गाड़ियों में घूम रहे हैं शहरों में, मुंबई शहरों में, और एसीओ में बैठे हैं, वो भी एक है इंडिया। और दूसरा इंडिया एक है जो भारत, जहाँ पे लोग एकदम नीचे क्रेडल पे सोसाइटी के काम कर रहे हैं। तो यू नीड टू जस्टिफाई दैट काइंड ऑफ आंसर की मैं ऐसा नहीं हूँ कि जस्ट मेरे को एक वो मिल जाए, मतलब लाइफ आई कैन वर्क ऑन द ग्राउंड लेवल। तो आपको इस तरीके से अपना कुछ बता के बताना पड़ेगा कि व्हाई यू वांट टू जॉइन दिस ऑर्गेनाइज, मतलब एज इन दिस कॉलेज, मतलब इंडिया का एक ख्याल, मतलब उस तरीके से पर्सपेक्टिव बताना है आपको कि ऐसा नहीं कि भाई तुमको MILS से निकल के सीधा कॉर्पोरेट में जाके मस्त वैसे रूम में बैठना है, तुमको सोसाइटी में किस किस लेवल पे जाके मतलब लोगों को सर्व करना है, बिकॉज दिस इज अबाउट सर्विंग। अगर आप कोई भी HR के रिलेटेड कोई भी कोर्स करते हो ना, तो मतलब एक एक बोलते ना, एक जो लोगों के मतलब नीड्स होते एकदम बेसिक नीड्स हमारे, मतलब अभी आप पढ़ोगे उस सब कोर्स में कि बेसिक नीड्स जो ह्यूमंस के क्या क्या होते हैं, जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। तो ऐसा है कि सोसाइटी में इस तरीके के भी लोग हैं जो 10,000-12,000 में काम कर रहे हैं, तो उनके पास बेसिक नीड्स के भी इश्यूज रहते हैं। तो उस लेवल का मतलब आपको अपना पर्सपेक्टिव रखना है कि क्यों, मतलब क्या आप क्या सर्व करोगे आगे जाके फ्यूचर में। After choosing Nagpur and Mumbai campus, CET के बाद personal interviews होते हैं। CET के बाद कोई के college में personal interviews होते हैं, कोई के college में नहीं होते हैं, कोई के college में सीधा entrance मतलब उस पे ले लेते हैं, क्या बोलते हैं, आपके जो marks वगैरह पे ले लेते हैं। कुछ कुछ college में definitely होते हैं, और personal interview college में होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप जब join भी करते हो ना, तो आप एक मतलब चार लोग अच्छे स्मार्ट लोग बैठे रहते हैं, यहाँ तक कि स्टेट का मतलब अपने महाराष्ट्र स्टेट के बड़े बड़े जो बोलते हैं ना, बड़े बड़े कैडर के लोग आए रहते हैं। तो आपका खुद का एक्सपीरियंस अच्छा होगा, जब आप इंटरव्यू देके क्रैक करोगे ना, तो आपका खुद का एक पर्सनैलिटी है वो अच्छा बनता है। तो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है, जो पर्सनल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है। और आप इसको मतलब उस तरीके से मत लेना कि ग्रिलिंग मतलब हो रही है दिमाग में, उस तरीके से लेना कि मैं इसमें अपना मतलब पर्सनल ग्रोथ करूंगा या करूंगी, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। आफ्टर चूजिंग नागपुर एंड मुंबई कैंपस कैन आई टेक नागपुर कैंपस, ऐसा है पहला प्रेफरेंस मुंबई का ही रखो, क्योंकि मुंबई में ऐसा है ना सर, एनी आइडिया? नागपुर एंड मुंबई का कैंपस, दोनों का कैंपस सेम है, पर मेरा मेरा ये होगा कि मुंबई का कैंपस पहले प्रेफरेंस रखो, कि क्योंकि उसमें प्रोफेसर से तुमको इन हैंड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है कन्वर्सेशन करने का। और मुंबई में जो प्रोफेसर्स का जो वो है ना, बैटरीज ऑफ प्रोफेसर्स है, लाइक देयर इज मोहित भाटिया, देयर इज दिस चेहुलकर, तो दिस आर रियली वेरी गुड प्रोफेसर्स। फर्स्ट ईयर में आपको हर्षद पाई करके एक बंदा मिलेगा, एंड उसके अलावा ट्रेड यूनियन के जो प्रोफेसर्स होते हैं, तो उन लोग आपको काफी अच्छा पर्सपेक्टिव देते हैं कि यूनियनाइज ट्रेड यूनियन इज, मतलब ट्रेड यूनियन को सिर्फ उसी तरीके से मतलब एक पर्सपेक्टिव है देखने का कि ट्रेड यूनियन होते हैं। दूसरा पर्सपेक्टिव होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में ना, एक यूनियनाइज वो होता है, मतलब लोगों का एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो पब्लिक का एक बोलते ना कि भले ही जो ओपिनियन होता है लोगों का वो बहुत खराब होते हैं, बट जो पॉपुलर ओपिनियन होता है उसके साथ आपको कैसे डील करना है, मतलब इवन दो वो जो ओपिनियन जो लोगों ने बना के रखा है एक चीज के बारे में, वो ओपिनियन बहुत ही खराब हो, मतलब वो ओपिनियन उनके जिंदगी खराब कर दे, बट ऐसा है कि वो पॉपुलर जो ओपिनियन है जो लोग हैंडल कर रहे, तो उसको कैसे डील करेंगे, उसको कैसे डील करना है, उससे कैसे हैंडल करना है, उसके लिए आपके लिए एक प्रोफेसर है फर्स्ट ईयर में, उनका नाम है फर्स्ट ईयर में काफी अच्छे प्रोफेसर है, और ट्रेड यूनियन के लीडर वगैरह भी है, तो आपको उनसे उनसे काफी अच्छा वो मिलेगा, मतलब अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव। तो मेरा ऐसा सजेशन है कि मुंबई का ही आप पहला प्रेफरेंस रखिए, क्योंकि जो कॉलेज का जो कैंपस में भी जो रहने का जो जगह है ना, वो 3,000 में, मतलब 3 या 4,000 में एक साल के लिए, तो जो वो भी है उसका फीस भी बहुत कम है कैंप, मतलब हॉस्टल में रहने का। तो मेरा सजेशन होगा कि मुंबई कैंपस प्रीफर करो, और नागपुर ऐसा है कि मुंबई नहीं मिलता तो फिर नागपुर जाने में भी कोई खराबी नहीं है, क्योंकि नागपुर के बच्चे लोग अभी उनको भी अच्छे अच्छे जॉब्स मिले, वो जो आदित्य बिरला फाइनेंस नहीं बोला NBFC, सो वन ऑफ द स्टूडेंट गॉट दैट NBFC फाइनेंस, आदित्य बिरला। सो सर एनी सर सर एक और है कि जो कॉलेज होगा सर का आप कल्चर मत रखिए आगे, आप अपना मतलब जो भी जहाँ पे भी आप ज्वाइन करोगे ना, तो प्रोफेसर ऑफकोर्स प्रोफेसर के साथ सर का कल्चर रखना, बट ऐसा जो ऑर्गेनाइजेशन में जैसा आप जाओगे ना कहीं पे भी जॉब वगैरह करने, तो सर का कल्चर आप अवॉइड करना वहाँ पे, और लोगों को भी इस तरीके से कन्वे करना कि हम लोग एक दूसरे के कलीग्स है, कलीग्स के जैसे काम कराने में,
लोगों के साथ मतलब कन्वे करना है उस तरीके से आइडियाज, यानी आइडिया अबाउट द डेट्स ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। तो ऐसा है कि 7 तारीख सबसे पहले अगर आपको ज्वाइन करना है कॉलेज, तो 7 तारीख को कॉलेज का फॉर्म मतलब उससे पहले भर दीजिए। सच में कॉलेज बहुत अच्छा है, मतलब मे को दिस वॉज लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ बून फॉर मी दिस कॉलेज, बिकॉज अगर मेरा कहीं और हुआ रहता था ना, मतलब मेरे को वेलिंगर एक मिला था, और वेलिंगर में मैं इसके लिए डर गया था क्योंकि 12 लाख रुपए उसका वो है फीस है, एंड इफ आई हैड गॉट दैट वेलिंगर, तो मैं ऐसा है कि आज से मैं आगे के 4 साल तक भी वही भरता रहता था क्या लोन का अमाउंट। तो बच्चों के लिए सबसे ऐसा है ना कि सबसे हैवी होता है लोन अमाउंट। आपकी फैमिली ऑफकोर्स, हम लोग लाइक ऑल ऑफ यू, आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, मेरे डैडी गैरेज के वो थे, क्या बोलते हैं, उनका गैरेज था, बट राइट नाउ गैराज इज, तो आप लोग भी मिडिल क्लास फैमिली से आते होंगे, तो डेफिनेटली 10 लाख 12 लाख हमारे लिए बहुत बड़ी रकम होती है, मतलब हमारे लिए एक ऑर्डिनरी आदमी के लिए। तो सबसे पहले कॉलेज का फॉर्म भर दीजिए, मिल जाता है तो बेस्ट कॉलेज है, 12 लाख रुपए भरने से बर्बाद करने से अच्छा, बिकॉज द पीपल दोज हू गेट वेलिंगर एंड ऑल, वेलिंगर में उन लोगों को जब प्रोफाइल, जॉब के प्रोफाइल मिलते हैं, आई गॉट पर्सनली मैनेजमेंट ट्रेनिंग का बहुत अच्छा मेरे को प्रोफाइल मिला, मेरे को ही नहीं कॉलेज में सबको अच्छा प्रोफाइल मिला है, बट द पीपल दोज हू गेट इनटू वेलिंगर उन लोग रिक्रूटमेंट के जॉब कर रहे हैं, एंड पैकेज है उनका 8 लाख रुपीज तक, बट 8 लाख के साथ उनको रिक्रूटमेंट के रोल मिले। एक को मिला है 10 लाख का कोई जान पहचान में वेलिंगर से, उनको उसको मॉर्गन स्टैनली में मिला है, बट दैट इज अ प्योरली रिक्रूटमेंट रोल, मतलब यू हैव टू जस्ट कम मॉर्निंग एंड यू हैव टू मेक कॉल्स एंड देन यू हैव टू डू दैट, वो वाला है। एनी आइडिया अबाउट डेट्स? ऐश्वर्या जी, आप सबसे पहले ना फॉर्म भर दीजिए, और बाद में फिर मतलब एग्जाम, तो एग्जाम के लिए तो आप बाद में प्रिपेयर करते हो, पर पहले फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि डेट निकल जाएगा तो उसके बाद ये सरकारी कॉलेज है, इनको कोई फर्क नहीं करता, आप कुछ भी कर लो, गया तो गया डेट। 7 तारीख का डेट है, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग ऐश्वर्या, नोटिफिकेशन डजंट से अबाउट जीडी और समथिंग इन, इफ इट ओनली स्टेट्स अबाउट रिटन एग्जामिनेशन। सॉरी, तो जीडी होगा बिकॉज दिस ईयर कोरोना नहीं है, कोरोना हम लोग के टाइम था तो उस टाइम जीडी नहीं हुआ था, पर इस साल जीडी होगा क्योंकि कॉलेज का ट्रेडिशन है, 50 साल 60 साल से जब से कॉलेज चल रहा है जीडी हर टाइम हुआ है, पर जीडी होगा हर टाइम, इस साल होगा जीडी, बिकॉज कोरोना इस साल मुझे नहीं लग रहा कि उस मैग्नीट्यूड से आएगा, बिकॉज स्टेट का जो कैपेसिटी है काफी अच्छा बिल्ट हो चुका है, तो अगर कोरोना का अगर 2-3 लाख केस भी आता है तो सिटी बंद नहीं होने वाले मुंबई, अब 5 लाख तक भी केस आएगा कोरोना का तो भी मुंबई बंद नहीं होने वाली, तो स्टेट का कैपेसिटी हो गया है, और कोरोना कितना भी जोर से आए जीडी तो होगा, होके रहेगा। रिटर्न एग्जामिनेशन के बारे में दिया है क्या कोई, कि एंट्रेंस टेस्ट दिया है वो? एंट्रेंस एमसीक्यू दिया है ना, एमसीक्यू, तो रिटर्न टेस्ट नहीं होगा, रिटर्न टेस्ट नहीं, और यूजुअली वो एंट्रेंस टेस्ट के बाद जीडी रखते हैं और उसके बाद इंटरव्यू रखते हैं, बट यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, मतलब तुमको प्रिपेयर रहना चाहिए। रिटर्न टेस्ट मोस्टली नहीं होगा, नहीं होगा रिटर्न टेस्ट, रिटर्न टेस्ट होगा ही नहीं, और होगा अगर रिटर्न टेस्ट तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं रिटर्न टेस्ट के, क्योंकि मैंने रिटर्न टेस्ट के जो क्वेश्चन देखे थे ना, मतलब वो साइड एक ना 20 मार्क या 30 मार्क का पेपर होता है, तो वो बहुत ही बेसिक होता है, कि बहुत बेसिक मीन्स बहुत ज्यादा बेसिक रिटर्न टेस्ट वाला जो होता है ना, क्योंकि दे नो पीपल आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, जहाँ पे रेगुलर जो लैंग्वेज जो इंग्लिश नहीं है, तो वर्नेकुलर का जो मीडियम होता है, तो लोग वहां से मतलब जैसे प्योर मराठी वर्नेकुलर के बच्चे लोग भी होते हैं, जो मतलब जिनका इंग्लिश इज नॉट एन मतलब कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन लैंग्वेज, तो उन लोगों को पता है किस तरीके के वो होने चाहिए, मतलब इंग्लिश के क्वेश्चन, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं रिटर्न वाले, बहुत ही ज्यादा बेसिक। मॉडल पेपर शेयर कर दीजिए, मॉडल पेपर मेरे पास नहीं है ये, क्योंकि एमसीक्यू है तो इसमें मॉडल पेपर नहीं मिलता, एमसीक्यू वैसा वाला होता है, आप मॉडल पेपर नहीं होगा, मॉडल पेपर आपको नहीं मिल पाएगा एमसीक्यू में, कॉलेज का जो एग्जाम होगा उसके मॉडल पेपर होंगे। एंड एक लव, sorry Smita, you have raised your this I just wanted to know what kind of support we get in terms of scholarship, hostels and fees, like so aisa hai ki reservation mein to agar aapka reservation mein aata hai to scholarship support to milega hi, aur wo 300-400 rupees fees hoga, to wo to bahut hi acha ho jayega agar if you have that reservation ka benefit, to 300-400 rupees shayad se mere hisab se lagta hai, aur mere ko kisi ne to bataya tha 65 ya 70 rupees tha पूनम करके। सो अगर ऐसा है ना कि आपने डिसाइड कर लिया कॉलेज, तो कॉलेज के जो बच्चे हैं ना उनसे कनेक्ट करना स्टार्ट करो, मतलब जो रहते हैं ना एक्स बैच के, देयर इज
और स्मार्ट स्मार्ट बच्चे लोग काफी सारे MILS से है, मतलब अच्छे अच्छे बच्चे लोग निकले, तो उनको उनको भी कनेक्ट कीजिए। तो एक लड़की ने मुझे बताया था, पूनम पूनम कोलवानकर करके थी, तो उसकी वजह से पता चला था कि 100 रुपए, पता नहीं 170 कुछ तो बोला था उसने। दे प्रोवाइड स्कॉलरशिप। हाँ, तो स्कॉलरशिप है उसका, आप फिकर मत कीजिए। एंड हॉस्टल का जो लड़कियों के लिए नहीं है, अनफॉर्चुनेटली दैट इज वन ऑफ द, मतलब हमारे अभी भी मतलब इस तरीके से कॉलेज को देखा जाता है, हमारे इस जो एजुकेशन जो जो पूरा जो सिस्टम है कि कॉलेज में हॉस्टल है बट लड़कों के लिए, तो ऐसा है कि उसमें एक मेरे को पर्सनली, क्योंकि अगर आप एचआर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एवरीथिंग यू नीड टू सी फ्रॉम अ जेंडर बायस पर्सपेक्टिव, मतलब जेंडर न्यूट्रलिटी, जेंडर न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, तो लड़कियों के लिए कॉलेज में वो नहीं है, हॉस्टल का फैसिलिटीज नहीं है, बट लड़कों के लिए जिनके लिए अवेलेबल है उनके लिए बहुत ही ज्यादा कम रेट्स में, मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब दादर के हिसाब से बहुत ही ज्यादा कम, मतलब अच्छे अच्छे कॉलेजेस में भी, केम कॉलेज केम में भी इतना सस्ता नहीं जितना हम लोग के कॉलेज में सस्ता है, और रूम्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं लड़कों को, लड़के लोग बहुत मजे करते हैं हॉस्टल्स में। मॉडल पेपर्स आपके लिए नहीं मिलेगा स्मिता जी, आपको उधर रेंट पे लेना पड़ेगा, बट अपने ऐसा है ना, जो कड़ूकर सर वहाँ के जो है ना डेप्यूटी डायरेक्टर, वो ही मदद कर देते बच्चों की, बिकॉज आई माई पर्सनली वन ऑफ माई फ्रेंड सुष्मिता चिंके वॉज फ्रॉम सिल्लोड, सिल्लोड इज इन औरंगाबाद आई गेस, सो सिल्लोड से थी, सो शी केम टू मुंबई एंड शी वॉन्टेड टू स्टडी इन कॉलेज इटसेल्फ, बिकॉज कॉलेज की लाइब्रेरी बहुत, मतलब वैसे नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत अच्छी नहीं खूबसूरत दिखेगी, ऐसा नहीं कि चमक धमक है, बट लाइब्रेरी में जो कंटेंट है वो ऐसा है कि वास्ट है, 40-50 ईयर्स का कंटेंट जमा किया है। दिस कॉलेज इज द ओल्डेस्ट कॉलेज, आप IIT NIT या फिर कोई भी जो भी है जिसको भी कंपेयर कर लो, मेरे लिए भी ये सरप्राइज था कि सबसे पुराना कॉलेज है MILS, मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। जैसे IIT का पेपर होता है साथ, वैसे वो पेपर बस चुप रहो। क्या हुआ अभिषेक, सॉरी आई कैन कुडंट अंडरस्टैंड, समथिंग ग्लिच हैपेंड, हेलो, हाँ हाँ, समथिंग रॉन्ग हैपेंड, समथिंग ग्लिच हैपेंड, हेलो, यस यस आई एम हियरिंग, एनीथिंग, यू कंटिन्यू, सो ओके ओके, सो कॉलेज की लाइब्रेरी बहुत एग्जॉस्टिव है, मतलब बहुत सारी बुक्स है जो लाइक आपको काफी अच्छा आपका वो देगी, तो लड़कियां जो थी कॉलेज, मतलब मेरी पर्सनली जो फ्रेंड थी सुष्मिता चिंके, तो उसने कॉलेज के बाजू में रूम ले लिया बिकॉज शी वांटेड टू रीड ऑल दैट स्टफ, एंड उसके लिए काफी अच्छा भी रहा, वो काफी उसमें से आई थी, मतलब लाइक Tier 2 Tier 3 सिटी से आई थी, कॉन्फिडेंस उसका स्टार्टिंग में लो था, बट राइट नाउ इफ यू सी हर यू विल फील लाइक कि क्या, मतलब चेंज, मतलब ऑलमोस्ट लाइक शी इज अ, मतलब 180 डिग्री बोलते हैं ना किसी के लाइफ में, वो आ जाता है चेंजेस आ जाता है बात करने के स्टाइल से, शी वॉज नॉट वेरी मच इंग्लिश स्पीकर रेगुलर, बट राइट नाउ वेन यू सी हर स्पीक विथ द फ्लो एंड द प्रेजेंटेशन हाउ शी प्रेजेंटेड इन सेकेंड ईयर, सो काफी, मतलब आप लोगों के लिए भी वैसा होगा, जैसे अभी स्मिता है या फिर और भी कोई लड़की है, तो आप लोगों के लिए भी वैसा होगा, मतलब एक एक्सपीरियंस बोलते हैं ना 180 डिग्री का चेंज आएगा लाइफ में, द वे यू विल स्पीक आफ्टर सेकेंड ईयर, तो आप लोगों के पर्सनैलिटी में बहुत चेंजेस आएंगे MILS के साथ, क्योंकि आपको कोर्स ही इस तरीके का, हर चीज में आपको डालते इधर डालते उधर डालते, तो जब आदमी इतना एंगेज रहता है हर एक्टिविटी से, तो आदमी डेफिनेटली ही विल राइज वन स्टेप अबव द प्रीवियस स्टेप, तो ग्रूम होना डेफिनेटली है। सर एनी स्पेसिफिक रिसोर्स मटेरियल फॉर प्रिपरेशन फॉर एंट्रेंस एग्जाम, यस यस, ये जो है ना इसका जो मटेरियल है ना एंट्रेंस का, तो मैं पहले तो आपको वो ही बता, मतलब सीधा मुंह पे ही बता देता हूँ कि कैसा कैसा, मतलब मटेरियल, एक मिनट ना आपको, सो सी जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है ना, तो एवरेजेस हो गया, सबसे पहले आपको जैसे एवरेजेस एकदम इजी होता है, एवरेजेस अपना, इसके बाद परसेंटेजेस, एलिगेशन, मिक्सचर्स, तो ये वाले तो एकदम डेफिनेटली करना, बिकॉज इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और बुक जो रिफर करना है, तो मोस्टली जो अपनी जो ये जो बैंक लेवल का भी एग्जाम्स नहीं होता है, ये जो अपनी जो रहते हैं ना SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, किसी को पता होगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, या फिर महाराष्ट्र में कौन से लेवल का इसका, मैं मतलब बेसिक 10th स्टैंडर्ड तक का जो मैथ्स होता है, वो वाला बुक भी अगर आप लेके पढ़ोगे ना, जो पोर्शन है एक एक क्वेश्चन लेके सिक्वेंस वाइज, तो आप आराम से क्वांटिटेटिव निकाल दोगे, और क्वांटिटेटिव ऐसा रहता है ना एकदम
किसी का थोड़ा भी अच्छा रहेगा तो वो मेरा 5 मिनट का होता सेशन था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, बिकॉज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत ही ज्यादा इजी पढ़ रहा था इंजीनियरिंग होने की वजह से, और मेरे टाइम मराठी सेशन था, मराठी का एक पूरा चैवो था, तो मेरा 30 मार्क का मराठी, 20 या 30 मार्क का मराठी था, वो पूरा मेरे को छोड़ के आना पड़ा, बिकॉज आई कुडंट रीड, मतलब मैं आई कैन अंडरस्टैंड मराठी कोई मुंह से बोलेगा तो, बट आई कैन नॉट रीड, मतलब लिखा रहेगा बहुत सारा वर्ड तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, तो उसकी वजह से मेरे को 30 मार्क का उस टाइम पूरा छोड़ के आया था। बट थोड़ा भी आपका क्वांटिटेटिव वगैरह अगर अगर अच्छा है तो आप इसको इजीली निकाल सकते हो, और बुक्स आप जो रिफर करोगे ना, बेसिक बुक रिफर करना, ये जो कैट वगैरह सीईटी वगैरह की बुक रिफर मत करना, इसका बहुत मतलब हाई लेवल का रहता है, कैट तो मतलब वो तो दैट इज समथिंग इन टू अनदर लेवल, के कैट के क्वेश्चन वगैरह आने वाले भी नहीं और पूछते भी नहीं, सीईटी के भी बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो सीईटी का बुक होगा आपके पास किसी के पास एप्टीट्यूड का, ऐश्वर्या आर एस अग्रवाल, यस 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 यस, अच्छा रितेश ने लिखा है आर एस अग्रवाल, अगर आपके पास है तो समझो आर एस अग्रवाल तो एकदम वो अच्छे से थोड़ा बहुत कर लोगे, आर एस एस अग्रवाल तो आपका इजिली मतलब इन शॉर्ट वो आपके लिए केक वॉक होगा अगर आर एस अग्रवाल आपने कर लिया तो। और ये वाला जो है ना पर्टिकुलर एक सेगमेंट जो टफ होता है वो जीके वाला सेगमेंट होता है, तो उसमें महाराष्ट्र का मतलब एमपीएससी का वो जो इंटरनेट पे मटेरियल मिलता है तो उसके क्वेश्चन बना के अच्छे से प्रिपेयर करके चले आना, तो उसका आपका एमपीएससी वाला एमपीएससी में जो फर्स्ट लेवल का होता है वो वाला मटेरियल यूज करना जीके के लिए। सॉरी सो एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन? हेलो यस यस समवन वाज आस्किंग ओके रितेश यू वर सेइंग एनी क्वेश्चन आई एम आस्किंग अबाउट एनी क्वेश्चन यूट्यूब चैनल प्लीज यूट्यूब चैनल वगैरह पे मत जाइए, यूट्यूब चैनल ऐसा है कि वो आपको मोर ओवर अच्छा बताने के बदले वो आपको कंफ्यूज कर दे, तो एक पर्टिकुलर है मतलब कोर्सेज आपको टेलीग्राम पे ना सबसे बेस्ट कोर्सेज मिलेंगे, टेलीग्राम पे जो होते हैं ना वीडियोस होते हैं अवेलेबल वीडियोस, ये यूट्यूब वाले जो होते हैं ना ये आपको बोर भी करेंगे, 5 मिनट बैठ के आपको ये बोलेंगे वो बोलेंगे कहानियां सुनाएंगे, तो यूट्यूब चैनल ठीक नहीं होते। मेरा सजेशन होगा अगर आपको समझना है तो इंटरनेट पे जो वो रहता है ना क्या बोलते हैं क्वेश्चंस के जस्टिफिकेशन क्वेश्चन के आंसर रहते हैं तो उनको देख के समझिए, यूट्यूब पे आपका टाइम वेस्ट होगा, नॉर्मली बच्चे यूट्यूब से फिर सरों की कहानियां सुन सुन के इधर उधर चले आते, तो यूट्यूब मेरे को पहले भी कोई बोल रहा था तो मैं यूट्यूब मोस्टली बहुत खराब रहता है यूट्यूब के थ्रू। I have some gap years. Will that affect the profile? Gap year कुछ affect नहीं करता। मैंने भी actually start किया था अपना career production से engineering के बाद, और उसके बाद मैंने खुद का कुछ business भी start किया था धंधा, and that didn't go really well with me. मेरा momos का छोटा सा एक business था, and उसकी वजह से मेरे career में एक तरीके से gap ही आ गया था, because I didn't have any justification और मेरे पास कोई documents थे, तो yes. उसका उससे कोई फर्क मेरे को आया नहीं, क्योंकि एक आध क्वेश्चंस आपको टफ क्वेश्चंस पूछेंगे ही कहाँ पे ये कैसे हुआ, बट यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई दैट थिंग कि मैंने ये ट्राई किया था वो ट्राई किया था। अगर ऐसा है कि दैट ईयर यू सेट एट होम तो जस्ट सिंपली से कि मैं उस टाइम कोर्स समझ नहीं आया या फिर मुझे करियर का डिसीजन लेने में प्रॉपर किसी के गाइडेंस नहीं मिली, तो इस तरीके से आप जस्टिफाई करके बस, बट इसका कोई इफेक्ट नहीं आता ना जॉब हायरिंग में और ना ही कॉलेज के सिलेक्शन प्रोसेस में, बिकॉज मेरा सिलेक्शन इजिली बिकॉज मेरा एज भी काफी कंपैरेटिवली बच्चों से थोड़ा ज्यादा था, तो सिलेक्शन प्रोसेस में मेरे को प्रॉब्लम नहीं आया था, और ना ही आप लोग किसी को भी आएगा, 1-2 साल का प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ऐसा है कि 7-8 साल का कुछ कुछ लड़के लोगों का था प्रॉब्लम, 7-8 साल का किसी का गैप था, तो उसके लिए उसको हायरिंग में अभी तकलीफ हुई है, पर उसका ब्रिटानिया में फिर भी हो गया था, बट हायरिंग के टाइम ऐसा है कि 7-8 साल का गैप बताना थोड़ा मुश्किल होता है, पर 2-3 साल का गैप इट्स नॉट एन बिग डील, सबके करियर में आता है, एंड ऑल ओवर ऑलमोस्ट लाइक ऑल ओवर इंडिया में 10% का राइट ना वो चल रहा है ना एम्प्लॉयमेंट रेट, तो जो वर्किंग पॉपुलेशन में जो 30 से 40 करोड़ का जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें 10 करोड़ लोग घर पे बैठे हैं, मतलब अनएम्प्लॉयड 3 करोड़ के आसपास, तो ऐसा है कि इंडिया ही मतलब ऑल ओवर इंडिया ही ऑलमोस्ट वो प्रॉब्लम में बैठा है, तो ऐसा नहीं कि आपको कोई उसमें उन लोग कटआउट करेंगे, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा गैप का। हाँ जीडी होगा, जीडी पक्का दिमाग में रखिए, जीडी होगा
और जीडी में बच्चे लोग जो बैठे रहेंगे ना, तो आप अपने नॉर्मल लैंग्वेज में बात कीजिए, मराठी जो आपका जो प्राइमरी लैंग्वेज है, हिंदी जो लैंग्वेज है, मराठी हिंदी इंग्लिश होगा तो इंग्लिश में, मतलब मोस्टली इंग्लिश तो नहीं होना चाहिए, पर मराठी हिंदी अपना जो लैंग्वेज है, बस अपने थॉट्स को प्रेजेंट कीजिए कि आपके थॉट्स क्या बोलते हैं। लिबरल आइडियाज होनी चाहिए, एक्सट्रीम व्यूज नहीं होनी चाहिए, जैसे बोलते ना कि मैं बोलूंगा कि हाउ शुड इंडिया शुड लुक एट यूक्रेन और रशिया वॉर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं बॉम्बिंग कर देना चाहिए, रशिया को उड़ा देना चाहिए, ऐसे एकदम एक्सट्रीम व्यूज कोई भी जीडी में अच्छे नहीं होते। और पीआईबी का पीआई पर्सन इंटरव्यू वैसे ही होगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑफलाइन होगा, कॉलेज में ऑफलाइन कल्चर फॉलो करने का सिस्टम है, ऑफलाइन ही होगा। एनी क्वेश्चन? So, अभी जो मतलब स्टार्टिंग में जो जैसे कॉलेज से आपका प्लेसमेंट होता है ना, तो आपको काफी मतलब राजा बाबू जैसे बोलते हैं ना, राजा बाबू के जैसे ट्रीट करते हैं कंपनीज में, हर चीज में आपका मतलब ऐसा ख्याल रखा जाता है कि डिलीवरेबल्स अभी तो मेरे को कुछ दिए नहीं गए, मतलब ऑलमोस्ट मुझे बिजनेस आइडियाज ही दे रहे लोगों से ही, मतलब सीएक्स लेवल जो होते हैं ना, एग्जीक्यूटिव लेवल्स के लोग होते हैं, उनके साथ ही इंटरेक्शन करने का मौका मिल रहा है। एंड मोस्टली स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छा पीरियड होता है, और कॉलेज के थ्रू प्लेसमेंट हुआ है, कैंपस प्लेसमेंट, तो स्टार्टिंग में ऑफिस का जो जो वो रहता है वो काफी मतलब बहुत अच्छा वो मिलता है, एंड काफी ग्रूम करते हैं कॉलेज कंपनी वाले, आप पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, काफी आप पे पैसा लगाते हैं, तो स्टार्टिंग में तो कुछ रहता नहीं, पर बाद में जाके आपका ऑलमोस्ट लीडरशिप जैसा पोजीशन होगा, आपको कंपनी को मतलब कंट्रोल पे रखना पड़ेगा कि आपका जो एट्रिशन होता है, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स जो होता है एक टॉपिक, वो बहुत ही वैसा टॉपिक है कि कंपनीज सर्व मतलब अच्छी अच्छी कंपनीज कोलैप्स हो जाती है ह्यूमन रिसोर्स शॉर्टेज की वजह से, और ह्यूमन रिसोर्स मतलब प्रॉपरली जब मेंटेन नहीं करते, ऑलमोस्ट लाइक एवरी कंपनी अभी राइट नाउ उन लोग ह्यूमन रिसोर्स पे फोकस कर रहे हैं, बिकॉज अगर जो कंपनी अपना जो रिसोर्स है उसको प्रॉपरली उसका एट्रिशन कंट्रोल कर सके, एट्रिशन वगैरह, क्योंकि हम लोग की कंपनी राइट नाउ एट्रिशन से बहुत तकलीफ में जा रही है, तो जो कंपनियां अपने रिसोर्स अच्छे से यूज कर सके, यूटिलाइज कर सके और उसको होल्ड कर सके कंपनी को, तो वो कंपनी और लोग सारे जो जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उन लोग का राइट नाउ फोकस ह्यूमन रिसोर्स पे ही है। टेक्नोलॉजी वगैरह ऑफकोर्स वो तो पैरेलली ग्रो हो रही है, पर टेक्नोलॉजी के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स अभी सब ऑर्गेनाइजेशन का वो है गोल है कि इसको हम लोगों को अच्छा लेवल पे अचीव करना है, तो ह्यूमन रिसोर्स का प्रोफाइल भी बहुत काफी रिस्पेक्टेबल होता है, काफी लोगों की उम्मीद रहती है आपसे कि आप ऐसा करोगे, हमारे एक एक डिसीजन से लोगों की हाइक्स रुक जाती है, अभी ऐसा है कि किसी को 12,000 से किसी को कोई 18 मांग रहा है, कोई 20 मांग रहा है, तो लोगों की काफी हमसे उम्मीदें रहती है, और हम लोगों को ऐसा है कि विदाउट एनी मतलब बोलते ना बायसेस के बगैर लोगों की हेल्प, मतलब ऐसा है कि ऑफकोर्स कंपनी का लुकआउट भी करना है, पर एट द सेम टाइम लोगों के लिए हमको एक जस्टिफाइड वो भी रखना है, ऐसा नहीं कि किसी का वो करें, तो हम लोगों से काफी वो रहता है, लोगों को उम्मीदें रहती है प्रोफाइल से, हम लोगों के प्रोफाइल से। सो एनी अदर क्वेश्चंस राइट नाउ? ओके, कट ऑफ, अच्छा आई थॉट यू वांट टू कट ऑफ, सो कट ऑफ में कट ऑफ के बारे में कॉलेज कुछ नहीं बताता किसी को, तो जो आप वो फॉर्म है ना, आप कौन सा फॉर्म था, पीओ समथिंग आपने क्या बोला था, एसओपी, तो एसओपी को बहुत देख के भरना, कट ऑफ कॉलेज ना कभी किसी को बताता नहीं किस बेसिस पे किसका सिलेक्शन हुआ है, किस बेसिस पे रिजेक्शन हुआ है, बिकॉज हम लोग के टाइम पे भी कुछ नहीं बताया था किसी को कि मार्क्स, आई गेस रितेश यू वेर Yes, you know that thing, कि अपने को मतलब कुछ बताया नहीं था, सीधा सिलेक्शन डायरेक्ट लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं, लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं, तो सिलेक्शन का जो वो जो बेसिस है ना, वो मोस्टली लोगों का वो पर्सपेक्टिव चेक करते हैं कि ये पीपल ओरिएंटेड बंदा है कि नहीं है, तो अपना जो माइंडसेट उधर बताना है, तो कोशिश करना कि अपना ऑफकोर्स मार्क्स मैटर करते हैं, अच्छा स्कोर करो, बट उसके साथ साथ कट ऑफ पे रखो, मतलब कट ऑफ पे अगर लाना है तो जो आप फॉर्म्स में जो डेटा भरोगे अच्छे से भरना, और जीडीपी पीआई और जीडी के लिए तो ध्यान देना, नोटिफिकेशन डजंट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट एसओपी और जीडी, एसओपी माने एप्लीकेशन फॉर्म में एक लास्ट पे क्वेश्चन रहेगा, अभिषेक एप्लीकेशन फॉर्म में तुम पूरा फिल अप करोगे तो लास्ट में एक क्वेश्चन रहेगा, तो
उसमें वहां पे एक वो क्वेश्चन फिलअप करता है, वो एसओपी जैसा ही है कि व्हाई डू यू वांट टू चूज, ओके सो दे विल, नहीं है तो फिर आप फिकर मत कीजिए, फिर आपको अच्छा मतलब कट ऑफ, मतलब जो आपका जो एग्जाम का जो कट ऑफ हुआ है ना मार्क्स का, वो कट ऑफ पे आपको जीडी और पीआई में बुलाएगा और पीआई पे ही सिलेक्शन होगा, पर्सनल इंटरव्यू विल बी द फाइनल कॉल जो वो बोल देता है क्या नाम हमारे टाइम, हमारे टाइम भी और उससे पहले भी कहने कैसा था कि जीडी और पीआई वो रखते थे और हमेशा रखते हैं, बट ये कोविड के सिचुएशन के वजह से वो रख नहीं पाए, तो अभी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर नहीं रहा तो हमारे अच्छा है और रहा तो आपको फेस करना ही पड़ेगा ऐसी बात। पर होगा, पीआई होगा, पीआई होगा और होगा कि कॉलेज में ना ऑफलाइन का कल्चर है, बिकॉज हर चीज में डायरेक्टर, जब हम लोग जब डायरेक्टर आया भी था ना लास्ट ईयर, तो उसने बोला था कि पीआई कुछ भी हो पीआई होना चाहिए, बच्चे लोगों को एडमिशन देने से पहले वी शुड नो व्हाट दे आर लुकिंग इनटू राइट नाउ। नहीं, रितेश इज नॉट, रितेश गॉट एक्चुअली सिलेक्टेड इन ऑल द कॉलेजेस, रितेश वाज अ स्मार्ट वन, रितेश गॉट सिलेक्टेड फॉर MILS एंड ही एक्चुअली परस्यूड हिज मास्टर्स फ्रॉम TIS। सो TIS अगर TIS ऐसा है कि कोर्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट TIS ऐसा है ना कि जो आपको प्लेटफॉर्म जो MILS प्रोवाइड करता है, आपको 6 से 7 लाख का आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है, TIS विल स्टार्ट योर प्लेसमेंट फ्रॉम 12 to 13 lakhs मतलब मिनिमम। और ऐसा है कि TIS का जो अपर मार्क जाता है वो 30-40 लाख रुपए तक जाता है। आई एम राइट ना रितेश? हाँ यस सर, बट वो दूसरे कोर्स के लिए, मेरा कोर्स जो उसके लिए कम है। पर TIS ऐसा है कि TIS में बहुत ही ज्यादा है, बट ऐसा है ना कि अगर आपको एक्चुअली 2000 दयानंद 2020 में मैंने एडमिशन लिया था, मेरा सिलेक्शन हुआ था वहाँ पे, बट मतलब TIS में नहीं हुआ था, उसके बाद MILS में हुआ था, बट मैंने नेक्स्ट ईयर TIS में एडमिशन हुआ मेरा, तो मैंने वो एडमिशन कैंसिल कर दिया। रितेश एक्चुअली रितेश ने एडमिशन कैंसिल किया था और उसकी वजह से किसी और ने मतलब उस पे एडमिशन लिया था। मैंने 4 to 5 months वहाँ पे किया। Four to five months, I guess you actually joined our group as well. मुझे तो actually याद है, because मैं पूछ भी रहा था। No. Easy to expect. See, आप ना, is it tough for general category to get through this entrance test? Also, there isn't much time left for preparation. ऐश्वर्या, ऐसा है कि ये जो है ना कि कॉलेज में 31 सीट रिजर्वड है और 21 सीट ओपन कैटेगरी के लिए, तो ऑफ कोर्स थोड़ा ज्यादा कंपटीशन होगा आपके लिए, थोड़ा सा ज्यादा होगा, बिकॉज आई गेस मराठा रिजर्वेशन भी अभी अप्लीकेबल है इस साल की नहीं हो, मैंने भी मराठा रिजर्वेशन अप्लीकेबल होगा तो जनरल कैटेगरी की थोड़ा और मुश्किल होगा, बट मतलब आप अनलेस एंड अंटिल उस कैटेगरी में फॉल करते हो अगर मराठा रिजर्वेशन में, बट थोड़ा टफ होगा रिजर्वेशन की वजह से, बट ऐसा नहीं है कि जो मिलने वाले को मिल ही जाता है, ऑफ कोर्स यू हैव टू फाइट योर ओन बैटल, सो आल्सो देयर इज मच टाइम हमेशा कमी होता है, अगर आप ऐसा बोलोगे तो टाइम हमेशा मतलब हर चीज में हमको कमी लगता है, तो आप ऐसा है कि कूद जाइए रेस में और ट्राई कीजिए। ऑल्सो CTC मच हाउ मच एवरेज CTC टू एक्सपेक्ट, तो ऐसा है कि CTC नंबर के पीछे अभी अभी स्टार्टिंग में मत डिसाइड कीजिए CTC क्या है, CTC कितना है, तो CTC का कॉन्सेप्ट लास्ट में यूज कीजिए जब आप जॉब वगैरह के लिए स्टार्ट करो, एडमिशन इनटू द चीज, ऐसा है कि एडमिशन ले लो, अच्छा एक्सपीरियंस बनाओ, बिकॉज लड़की लोग काफी अच्छा लीड कर रही है HR में, एंड लड़कियों के लिए HR, बिकॉज मेरे साथ ऐसा पर्सनली हुआ, मतलब मैंने देखा भी है कि HR में थोड़ा मतलब लड़कियों को प्रेफरेंस मिलता है, थोड़ा मच ब्रॉडर टर्म हो गया, वो कॉस्ट टू कंपनी होता है, जो आपका फिक्स जो होता है, फिक्स अगर आप फिक्स के हिसाब से बातें चलती है तो फिक्स आपको 5 लाख तक मिल जाएगा, और CTC जो है वो 7-8 लाख का हिसाब पकड़िए, तो 8 लाख का CTC का हिसाब पकड़िए और फिक्स का 5-5.5-6 तक पकड़िए CTC, मतलब कंपनी के अजीब अजीब से पता नहीं क्या क्या क्लॉज होते हैं, अगर रिलायंस है तो रिलायंस में दुनिया भर का CTC के नाम पे तुमको मतलब 12-13 लाख रुपए बोल देंगे, और जब इनएन की बात आ रही तो 50,000-60,000 भी नहीं आ रहा है CTC का। EWS कैटेगरी को रिजर्वेशन मिलता है क्या? EWS का मुझे सच में नहीं पता अभी फिलहाल, EWS की नहीं है एक्चुअली, कीर्ति MILS provide admissions on reservation basis. All the reservation
मतलब आपके सब रिजर्वेशन है, EWS भी है, OBC, SC, सब? नहीं नहीं पर नहीं नहीं रिजर्वेशन जो होता है ना कभी भी, वो जो रेगुलर जो रिजर्वेशन चलता है ना उसमें कभी भी किसी को उसमें नहीं करते क्या बोलते ना घुसाते नहीं है, तो वो एकदम वो है, मतलब बोलते ना वर्जित है कि जो 31 सीट है उनके साथ तो बिल्कुल कभी छेड़छाड़ कोई नहीं कर सकता कुछ भी हो जाए, तो 21 के साथ ही अगर होगा तो उनके साथ छेड़छाड़ होगा, पर वो 31 के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता बिकॉज वो मैंडेटेड बाय लॉ है, उनके साथ कोई मतलब छेड़खानी अलाउ नहीं है। मेजर चांस, सो देयर इज मेजर चांसेस ऑफ गेटिंग एडमिशन फॉर रिजर्व कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी के लिए बहुत अच्छा है, एंड एक्चुअली जो जॉब्स भी होती है ना उन लोग चाहते हैं कि ना जो बोलते हैं ना इनर महाराष्ट्र में जो फैक्ट्रीज वर्क कर रही है, बिकॉज महाराष्ट्र इज अ ऑलमोस्ट बोलते ना कि रनिंग इंजन ऑफ इंडिया, कि महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, ये दो स्टेट ऐसा महाराष्ट्र तमिलनाडु एंड गुजरात, ये तीनों स्टेट इस तरीके से काम करते हैं समझो इंडिया को, मतलब इंडिया का जो 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 वर्क हॉर्सेस है ना ये तीन स्टेट में रन करते हैं, मतलब खींचने वाला इंडिया को यही चलता है। तो महाराष्ट्र में इनर महाराष्ट्र में फैक्ट्रीज इतनी भर भर के ना, तो दे नीड एम्प्लॉय फोर्स, मतलब जो बोलते हैं ना एम्प्लॉय फोर्स इतना बड़ा रहता है, तो उन लोगों को ना वैसे लोग चाहिए जो अच्छी मराठी बोल सके, उन लोगों के साथ मतलब ना मेंटल लेवल पे कनेक्ट कर सके। तो तो उन लोग कोशिश करते कि मतलब हम लोग के पास जो टैलेंट आया ना इनर महाराष्ट्र से, जैसे अभी मराठवाड़ा है तो मराठवाड़ा में कुछ फैक्ट्रीज होंगे, तो वहां पे इनर उनसे कनेक्ट करने के लिए उस टाइप का बंदा भी चाहिए उनको, मतलब उनके साथ ज्वाइन मतलब वर्कफोर्स ज्वाइन करने के लिए। अब ऐसा है कि उसको कोई उन लोग उधर से तो वेलिंगर से तो कोई बंदा उठा के उधर भेजेंगे नहीं मराठवाड़ा में, क्योंकि वो क्या क्या ही जी वर्कफोर्स को एंगेज करेगा। अब उधर का लोगों का लोकल कल्चर होता है, फैक्ट्रीज में भी अपना खुद का कल्चर यूज करते हैं, लोगों के फूड हैबिट्स होते हैं अलग होते हैं, तो उनको उस तरीके से एंगेज करने के लिए उधर लोकल का बंदा होना चाहिए। तो कॉलेज में इसके लिए मतलब ये अच्छा भी एक तरीके से कि सबको मतलब अपने अपने सोसाइटीज से लोगों को मतलब ऐसा है ना कि हम लोग को डाइवर्सिफाई करने में मिलता है, एंड काफी अच्छा वर्कफोर्स का जो वो है क्या बोलते हैं ना सेपरेशन सेपरेशन करके वो प्रॉपरली एलोकेट करने के लिए बहुत अच्छे रिसोर्सेस प्रोवाइड हो जाते हैं ये EW, मतलब ये सब कैटेगरीज की वजह से। तो EWS कैटेगरी अगर होगा आपको चेक करना पड़ेगा मुझे, सर डू दे हैव चेक यस यस दे चेक नॉन क्रीमी ऑन क्रीमी तो भाई आप मैंडेट हो गए, डॉक्यूमेंट सब अच्छे से चेक करते हैं। एंट्रेंस एग्जाम के सेंटर के बारे में पूछ रहा था कोई, तो एंट्रेंस एग्जाम का सेंटर नागपुर औरंगाबाद नासिक पुणे ऐसे बिग सिटी में होता है, विदर्भ के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली नागपुर रहता है, जहाँ पे टीस की एग्जाम होती है वही पे ये एग्जाम होती है। हाँ हाँ जो आपका जो जो सेंटर रहेगा ना एग्जामिनेशन रीजनल लेवल पवई, एक पवई में होगा मुंबई में और नागपुर में एक सेंटर होता है, तो जो एग्जाम का जो सेंटर है वो तो एकदम बोलते ना जैसा आपका टीस वगैरह का एग्जाम होता है ना उसी टाइप का, या फिर सीईटी वगैरह का जो एग्जामिनेशन होता है उसी टाइप से इन लोगों को फॉलो करते पैटर्न। तो और पूरा वो रहता है एमसीक्यू रहता है तो टच करना है जैसा मतलब बोलते हैं ना इंटरफेस रहता है, क्योंकि मैंने सीईटी भी दिया था वही सेंटर में और सेम इंटरफेस उसका भी था किसका MILS के एग्जाम का, क्योंकि दो या तीन महीने के बाद मैंने वेट किया था, मैंने बोला था सीईटी भाई 12-13 लाख रुपए डालना भाई मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात, मतलब बहुत हैवी हो रहा था मुझे, तो क्योंकि मेरे को लोन नहीं भरना था क्योंकि लोन का अमाउंट ही भाई बहुत 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 बहुत, बहुत, बहुत ज्यादा आता है पीछे से, मतलब जब तुम्हारा कोर्स खत्म हो जाता है। एनी अदर क्वेश्चन? हेलो लगभग एक घंटा हो गया हमारा। हाँ हाँ काफी ज्यादा हो गया एक घंटा। एनी अदर क्वेश्चन कुछ रहेगा तो आप ऐसा है कि ना मतलब कॉलेज के स्टूडेंट से भी कनेक्ट करो जो आपके लोकल पे रहेंगे ना, जैसे आप मतलब सब मुंबई से है कि लोग बाहर बाहर से भी ऑल ओवर महाराष्ट्र तो ऐसा है ना कि लोगों से कनेक्ट करो जो उधर के जो रीजन के लोग है ना, बिकॉज दे विल बी एक्सप्लेनिंग यू कानपुर, अरे उत्तर प्रदेश तक से, अरे वाह क्या बात है, आप लोगों के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस टफ जाएगा बिकॉज मराठी ऐसा है कि मराठी थोड़ा बहुत तो बोलने बट दिस ईयर मराठी का सेक्शन नहीं है पेपर में, अच्छी बात है। अच्छा हाँ हाँ मराठी का सेक्शन नहीं है आप? हाँ दिस ईयर दे रिमूव्ड सेक्शन ऑफ मराठी, सो दिस इज बेटर चांस टू गेट। कॉलेज बहुत अच्छा है, कॉलेज का जो डायरेक्टर है वो बहुत ही मतलब अभी कैसे बताऊँ, बहुत ही ज्यादा बहुत ही बढ़िया है। सर आई एम फ्रॉम नागपुर इज RLI पार विद MILS। सी RLI MILS में कोई डिफरेंशिएशन मेरे हिसाब से तो नहीं है, बट ऐसा है ना कि वो मार्केट में लोगों का वो अंडरस्टैंडिंग होता है
कि वो RLI थोड़ा छोटा है, वो बहुत खराब मतलब नैरो माइंडेड अंडरस्टैंडिंग है, बट है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए मैं भी यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि ज्वाइन करो तो MILS करो, RLI फिलहाल के लिए नहीं करो। और मैं RLI भी आपको मिलता है तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं लेगा, आपको RLI में भी सेम इंटरव्यूज होंगे, सेम कंपनीज आएंगे। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने में कोशिश करना, एंड अपना जो नॉलेज का जो पर्सपेक्टिव है ना, नॉट जस्ट थियोरिटिकल, ऐसा है कि ब्रॉड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स रीड करना स्टार्ट करना, मतलब ऐसा है कि बिजनेस रन कैसे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का क्या रोल प्ले होता है इकोनॉमी में, और NBFCs क्या रोल प्ले करते हैं, बिकॉज NBFC ही इंडिया को आगे फ्यूचर, बिकॉज चाइना का जो ग्रोथ स्टोरी था वो NBFC, कभी चेक करना इंटरनेट पे चाइना एंड NBFC कैसे कैसे वर्क कर कैसे उन्होंने वर्क किया था, और चाइना का ग्रोथ स्टोरी NBFC ने लिखा था। तो वैसे ही बोलते हैं इंडिया में भी उसी तरीके से वर्क करेगा सिस्टम, और मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, एंड जो जो प्लेयर्स है लाइक अडानी एंड दिस रिलायंस, दिस विल बी लाइक ऑलमोस्ट बोलते हैं ना जो टाइटन होते हैं ना, टाइटन्स एक कंट्री में, जो कंट्री को मतलब एक कंट्री का वो सेट करते हैं, गोल गोल पोस्ट सेट करते हैं, जैसे US में वॉलमार्ट ने सेट किया था, तो वैसे इंडिया में ये सब ये दोनों कंपनीज होंगी जो इंडिया का गोल पोस्ट सेट करेंगी, और इनको सारे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आएंगे उनको मतलब वो करेंगे, मतलब लीवरेज करेंगे, सब सिस्टम्स प्रोवाइड करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, पर जो लीडिंग प्लेयर होंगे। तो इस तरीके से पर्सपेक्टिव थोड़ा देखने की कोशिश करना, और सब्जेक्ट्स को भी वैसे ही पढ़ना कि आपको लोग इंडिया का वर्क फोर्स समझे, वर्क फोर्स कैसे बिहेव करता है, लोगों के एम्बिशंस क्या है। आजकल का जो यूथ है जो 27-30 ईयर्स पे जो रन कर रहा है वो काफी एम्बिशियस यूथ है, हर एक आदमी चाहता है कि मेरी एक अच्छी मतलब मेरी फैमिली, मेरे पास एक खुद की स्कूटर हो, मेरे पास मतलब लोगों के जो ड्रीम्स है उस तरीके से, तो उस तरीके से मतलब ना पूरा जो लोगों के जो साइकिल होता है, लोगों का जो मेंटल बिहेवियर होता है उस तरीके से प्रोसेस होता है। तो आप मतलब ब्रॉड रेंज ऑफ सब्जेक्ट के हिसाब से अपना वो रखना जो अप्रोच रहेगा सब्जेक्ट देखने का। तो आप ऐसा है जब आप इंटरव्यूज वगैरह में जब बैठोगे ना तो आपका काफी अच्छा वो रहेगा, मतलब आप जब इंटरव्यूज दोगे तो यू विल हैव दैट काइंड ऑफ डिस्कशन विद, तो आप मैनेजमेंट को उस तरीके के अपने आइडियाज प्रेजेंट कर सकोगे कि भाई मैं ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ, आई अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट, आई अंडरस्टैंड दैट सब्जेक्ट, आई विल बी एबल टू सपोर्ट योर सिस्टम। तो सर आई एम फ्रॉम नागपुर। तो अच्छी बात है कानपुर उत्तर प्रदेश बहुत 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 बढ़िया है कि आप लोग मतलब इतना मतलब एक्चुअली एकलव्य इज ऑल्सो समथिंग डूइंग, मतलब इतना बिकॉज आई थॉट बिकॉज मोस्टली क्लोज ग्रुप होते हैं, जैसे बोलते हैं ना फाउंडेशन रन होते हैं, तो उन लोग काफी लिमिटेड, मैं क्योंकि मैं भी एक फाउंडेशन से एक फाउंडेशन में काम करता था, सोना फाउंडेशन, सो उसका एक सर्कल था, रेडियस था 2-3 किलोमीटर का, उससे ज्यादा बाहर नहीं था, बट इसका रेंज फिर बहुत ही अच्छा है एकलव्य का, बिकॉज इफ दे आर एबल टू कवर अप टू समवन फ्रॉम कानपुर एंड उत्तर प्रदेश, सो दैट्स रियली गुड। इवन दिस दिस द ओनर ऑफ दिस फाउंडेशन हैव रियली डन गुड जॉब, अच्छी बात है। एंड ऑफ कोर्स रितेश जो जिन्होंने मतलब इतना रेंज रेंज के लोगों को मतलब कनेक्ट करने की कोशिश की है, तो बहुत अच्छी बात है ये सब चीजों करना। एंड हाँ, यार कानपुर उत्तर क्वेश्चन प्रदेश में हिंदाल्को का मोस्टली हायरिंग उत्तर प्रदेश में जाता है, तो जो जो आए ना कानपुर और उत्तर प्रदेश में जिन्होंने मेंशन किया है, तो उत्तर प्रदेश में इनका हिंदाल्को वाले लेके जाते बंदे उठा के, तो आप लोगों के लिए एक चांसेस रहेगा कि हिंदाल्को अगर, बिकॉज लोकल लैंग्वेज वाले बंदे चाहिए, बिकॉज अगर जो भोजपुरी बोल रहे हैं तो ऑफकोर्स जो वर्कफोर्स का जो काम करने वाला है वो भोजपुरी अगर मिल जाए बंदा बोलने वाला, तो कंपनी बिकॉज वर्कफोर्स से मैच होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट अपना इंग्लिश बोल रहा है और वर्कफोर्स के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं, वो अपना स्टाइल में जिंदगी जी रहा है। अब वर्कफोर्स अगर मराठी बोल रहा है तो फिर मैनेजमेंट को भी मराठी आनी चाहिए, बोलने आनी चाहिए, समझने आनी चाहिए, और भाई अपना इंग्लिश में अपना ज्ञान फैल रहा है, बच्चों को पता ही नहीं कुछ भी, तो दैट इज वेरी मतलब नॉट मैचेबल, की मतलब हमेशा उधर डिस्प्यूट होंगे वो कंपनी में अगर इस तरीके का मतलब उन लोग चलेंगे, तो उन लोग भी कोशिश करते हैं कि बंदों को लैंग्वेजेस आए, लोकल लैंग्वेजेस। एनी अदर क्वेश्चन अगेन? टू ज्वाइन व्हाट्सएप, यस, आई विल ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, बट ऐसा है कि मैं अभी मुंबई में हूँ नहीं और मेरे पास कुछ भी डेटा नहीं है, अदरवाइज मैं डेटा वगैरह शेयर करता, ओके, डेटा नहीं है मेरे पास नो फिलहाल। इश्यूज। नीता, यस हेलो। यस सो वन क्वेश्चन, इफ इफ कैन आई एलिजिबल फॉर दिस कोर्स, यस, आर्ट्स, आर्ट्स बैकग्राउंड तो सबसे बढ़िया है भाई HR में जाने के लिए, अगर आपने आर्ट्स में, आर्ट्स इज द वेरी गुड बैकग्राउंड टू गेट इनटू दिस थिंग HR, तो वो तो फिर वो मतलब ऐसा ही कोई भी आ सकता है, मैं तो इंजीनियरिंग से HR में आया, तो आर्ट्स वाले तो इजीली बिकॉज इनका तो सब्जेक्ट है, तो उन लोग तो जाइए डेफिनेटली जा सकते हेलो हेलो, हैं। श्वेता, श्वेता, यू आर ऑडिबल।
मेरा आर्ट्स पर उसमें भी सब्जेक्ट है जैसे पॉलिटिकल साइंस, मराठी लिटरेचर और हिस्ट्री है, क्योंकि हमारे स्पेशल पर या इकोनॉमिक्स वगैरह कोई कंपलसरी है क्या लैंग्वेज? ये नहीं, सब सब ग्रेजुएशन के कर सकते हैं, नोटिफिकेशन में दिया है वैसे। श्वेता कोई भी सब्जेक्ट रहे, इकोनॉमिक्स आप ऐसा इकोनॉमिक्स नहीं होगा कि जो बोलते हैं ना मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऐसा नहीं कि आपको उस पे लग डेटा पे रिसर्च कराने बिठा देंगे, आपको मतलब कॉन्सेप्ट समझाएंगे कॉलेज में, तो इकोनॉमिक्स उस तरीके का इकोनॉमिक्स नहीं होगा कि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में या फिर बोलते हैं उस पे स्टैट्स पे रिसर्च कर रहे हो, तो इस तरीके का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स वो नहीं होगा। इकोनॉमिक्स होगा कि आपको सब्जेक्ट्स मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए उन लोग इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करेंगे। आपका लेबर में ऐसा नहीं कि आपको लेबर पे बैठ के रिसर्च करना होगा, ऑफ कोर्स यू नीड टू अंडरस्टैंड डेटा, डेटा कैसे वर्क करता है, बट ऐसा नहीं कि आपको डेटा पे कुछ रिसर्च करना है या फिर डेटा को कहीं पे कोई एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है, तो ये वाला इकोनॉमिक्स पे कुछ नहीं होगा। बट कॉन्सेप्ट्स होंगे इकोनॉमिक्स के, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, लार्ज स्केल पर्सपेक्टिव माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो वो बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा, आप जब रीड करोगे तो एकदम इजीली समझ जाओगे। एंड जो कुछ कुछ है, खान एकेडमी करके है एक खान एकेडमी है, तो उसमें मैंने मेरे को एक्चुअली मैम इकोनॉमिक्स पता नहीं था, क्योंकि मैं खुद अच्छा मैं इंजीनियरिंग से था, नंबर्स वगैरह मेरे अच्छे थे, बट मेरे को तो मैंने खान एकेडमी से मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स कर लिया था, तो बहुत इजी पड़ गया था। फिर बाद में मेरे को एक्चुअली लेक्चर्स में सुनने की भी जरूरत नहीं पड़ी, बहुत ईजी पड़ गया था। तो आप उसकी फिक्र मत कीजिए, कोई भी बैकग्राउंड हो कहीं से भी आया रहेगा, छोटा मोटा देख लेना इधर उधर हो जाएगा आपका। तो ये सो आई गेस मोस्टली सर बच्चों का हो गया है, मतलब सबने कुछ ना कुछ पूछ लिया। तो अच्छे से देना एग्जाम, अच्छा कॉलेज है, ट्राई करो अगर निकल जाता है। और ऐसा है कि टिस अगर टिस भी कोई दे रहा है तो टिस इज आल्सो चीप एंड अच्छा कॉलेज, तो टिस भी अच्छा कॉलेज है और एमआईएलएस बहुत अच्छा कॉलेज है, जिसको जहाँ मिलता है वहां पे ले सकते हैं। बट टिस के लिए ऐसा है कि मतलब जब से उसका जो पैकेज है ना, नंबर अगर जब इंटरनेट में पब्लिश हो जाते हैं ना, तो लोग मारपीट पे आ जाते हैं, मतलब देर इज अ लिटरली फाइट फॉर टिस, कि अगर लोगों को एक बार दिख जाता है ना कि टिस में 1,00,000 मिल गया, किसी को 1,50,000 मिल गया है, तो लोग ऐसा है ना कि अपने दिमाग में वो नंबर घुसा लेते हैं और उसके बाद टिस के लिए मारा मारी मड़ी रहती है। तो ऐसा है कि दिस इज मच इजी है, बिकॉज लोगों को लगता है कि कितना जी मिलेगा, 2,00,000-3,00,000 का पैकेज मिलेगा, कहाँ एमआईएलएस, पर 7-8 लाख का अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है और छोटी छोटी सिटीज में मिलता है, तो इट इज लाइक लिटरली लग्जरियस लाइफ। मतलब ऐसा बोला अभी आप अगर कानपुर में अगर आपको कोई 8,00,000 रुपए देता है, तो कानपुर में 8,00,000 रुपए में मतलब यू कैन लिटरली लीड लाइक एनीथिंग, कानपुर जैसी सिटी सस्ती सिटी होगी, मतलब 8,00,000 के हिसाब से। आई डोंट नो, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, कानपुर को डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, पर जैसे अभी पुणे 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 इज कॉस्टली, बट अगर किसी को सतारा में अगर 6,00,000 का पैकेज मिलता हो तो मस्त जिएगा आराम से सतारा में। तो एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट्स? हेलो, वी कैन कंक्लूड दिस सेशन। यस यस यस, एक्चुअली ये लास्ट, थैंक यू सो मच एवरी वन, एंड बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से देना एग्जामिनेशन, होपफुली मतलब सब सबका ही हो जाए और अच्छे से देना, ठीक है? थैंक यू सो मच अमित। हाँ स्मिता, यू इस चैट बॉक्स में लिंक डाल दिया व्हाट्सएप ग्रुप का, तो जो एस्पिरेंट्स है जो एप्लीकेशन करना चाहते हैं वो सारे आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। एंड आई रियली लाइक टू थैंक्स टू अमित एंड रितेश फॉर ब्रिंगिंग दिस प्रोडक्टिव डिस्कशंस एंड helping students. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Amit, prepare well in very short span of time. मतलब आज सुबह ही मेरी उनसे बात हुई और फिर उन्होंने बहुत अच्छे से definitely. So thank you, Amit, again.